हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म के जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सारी फोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे DVV दानिया के DVV एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, PC चारू, लता चारू के रूप में, यश जे सूर्या, आर दयानंद IPS के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा DVV एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानीवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए GV प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम
15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानीवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है।
इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जय सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, अदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है, साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई।
वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर इसके साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा DVV एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे DVV दानिया के DVV एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जे सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में, यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में
विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरानी की 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते इसके थिएटरकल रिलीज की तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरानी की 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ
एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जेसूरिया कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारी पौधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी पौधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जेसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो
मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारी पौधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में, यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, अदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारी पौधा सानिवारम
29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानीवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं।
साथ ही यश, जय सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में यश, जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा DVV एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए GV प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे DVV दानिया के DVV एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश, जय सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया
और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर इसके साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जे सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर इसके साथ आने की खबर मिली।
यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जेसूरिया कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में, यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में
प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, अदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ।
दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का
शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानीवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं।
फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में, यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा DVV एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे DVV दानिया के DVV एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जे सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है।
बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को
इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, अदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद
दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और
अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में यश जय सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे।
सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में, यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है
और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में, यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में,
साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरानी की 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरानी की 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन
23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरिया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी फोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जय सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, अदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका
श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था।
बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानीवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारीपोधा सानीवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानीवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है।
फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 31 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज
ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरकल रिलीज की, तो सारिपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यस जे सूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी प्रियंका मोहन, पीसी चारू लता चारू के रूप में यस जे सूर्या, आर दयानंद, आईपीएस के रूप में आदिति बालन, भद्रा के रूप में साई कुमार, सूर्या के पिता के रूप में शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ
आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जयसूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारिपोथा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारिपोथा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में
प्रियंका मोहन और यश जेसूरिया कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते इसके म्यूजिक की तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बिजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की तो सारीपोधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारीपोधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और सुबलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में यश जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारीपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते हैं इसके कास्टिंग की तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यश जेसूरिया कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ।
दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारी पौधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की, तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सारी पौधा सानिवारम एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक अथरेया ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे डीवीवी दानिया के डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही यश जयसूर्या, अदिति बालन, साई कुमार और शुभलेखा सुधाकर भी है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में संभावित शीर्षक नानी 31 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की 31वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा कुछ दिनों बाद की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया था। फिल्म का संगीत जैक बियाज ने की तैयार किया, छायांकन मुरली जी ने किया और इसका संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है। बात करते हैं इसके कास्ट की, तो सूर्या के रूप में नानी, प्रियंका मोहन, पीसी चारू, लता चारू के रूप में, यस जे सूर्या, आर दयानंद आईपीएस के रूप में, आदिति बालन भद्रा के रूप में, साई कुमार सूर्या के पिता के रूप में, शुभलेखा सुधाकर। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो मई 2023 के आखिर में विवेक अथरेया और नानी को अंते सुंदरा निकी 2022 के बाद फिर के साथ आने की खबर मिली। यह नानी की मुख्य भूमिका वाली 31वीं फिल्म है। 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा की गई, जिसका अस्थायी शीर्षक नानी 31 रखा गया। शीर्षक पारिपोथा सानिवारन 23 अक्टूबर को सामने आया। 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया। बात करते इसके कास्टिंग की, तो अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और यस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हो गए। नानी के गैंग लीडर 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करते हुए जी वी प्रकाश कुमार और अनिरुद्ध रविचंद्रन की को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में जैक बिजॉय, मुरली जी और कार्तिका श्रीनिवास को क्रमशः संगीतकार, छायांकन और संपादन के रूप में घोषित किया गया। बात करते इसकी फिल्मिंग की, तो मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और उसी महीने बाद में पहला शेड्यूल पूरा हुआ। दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ। बात करते हैं इसके म्यूजिक की, तो संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बेजॉय द्वारा नानी और अथरेया के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला सिंगल गरम गरम 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। बात करते हैं इसके थिएटरिकल रिलीज की, तो सारी पौधा सानिवारम 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाला है। साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करण भी सूर्या का
शनिवार शीर्षक से है। बात करें इसके होम मीडिया की तो फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।